अब देखिए कुछ जानकारी हमारे पास है वो आपको हम दे दें। देखिए सवाल एबीपी न्यूज के हमारे जो सवाल हैं वो जरा देखिए और ये कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फैक्ट पहले समझिए आप। देखिए फैक्ट ये है कि जांच में सामने आया है कि बेसमेंट में लाइब्रेरी थी, जो बात सामने आई। अब तक की जांच और सवाल ये, जब अक्सर पानी भरता था वहां पर बेसमेंट में, तो फिर लाइब्रेरी वहां पर क्यों खोल के रखा गया था, लाइब्रेरी वहां पर क्यों थी जब अक्सर ये शिकायत वहां पर होती थी, पहले भी घटनाएं सामने आ चुकी थी। और देखिए आप, अचानक बेसमेंट में पानी तेजी से भरने लगा और उसके बाद सवाल ये कि उस वक्त कोचिंग के लोग कहाँ पर थे, क्या बचाने की कोशिश वहां पर की गई कोचिंग संस्थान की तरफ से, ये भी सवाल खड़ा होता है। इसके अलावा अगला फैक्ट आपको हम बताएं, अचानक से वहां पर पानी भरा जिसके बाद छात्र फंसे, छात्र बेसमेंट में बेंच के ऊपर खड़े हो गए। सवाल ये कि क्या बेसमेंट से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, एंट्री एग्जिट अलग अलग होनी चाहिए, ये बात कही जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर जो छात्र बता रहे हैं कि एक ही सिस्टम वहां पर था, एग्जिट और एंट्री के लिए एक ही गेट था। देखिए पानी के दबाव से बेसमेंट में लगे कांच फटने लगे और सवाल ये खड़ा होता है कि इतने दबाव के साथ पानी वहां पर अचानक से कैसे आ गया, क्या कोई पाइप वहां पर फटा, जिसका जिक्र एमसीडी की ओर से भी किया गया, उन्होंने भी कहा कि हो सकता है कोई पाइप फटा हो। और साथ ही देखिए शाम को 7 बजे लाइब्रेरी बंद हो जाती है, जो कि नियम भी है कि शाम को 7 बजे लाइब्रेरी बंद करनी पड़ती है। पानी भरने का खतरा था तो लाइब्रेरी पहले क्यों नहीं बंद हुई, अगर पानी वहां पर भरने का खतरा था, बारिश दिल्ली में हो रही थी, तो फिर लाइब्रेरी को पहले ही क्यों नहीं बंद किया गया, ये भी सवाल खड़ा होता है। तो ये सवाल जो खड़े हो रहे हैं और साथ ही साथ 3 छात्रों की जो जान गई है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी लगातार जारी है। मदीहा मेरे साथ लगातार बनी है, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। मदीहा देखिए बहुत सारे सवालों का जन्म होता है कल जो घटना हुई है, सीधे सीधे अब सवाल तो इसी बात को लेकर कि कोचिंग संस्थान की जवाबदेही कब तय होगी, कि सबसे बड़ी लापरवाही तो कोचिंग संस्थान की। छात्र सीधे ये कह रहे हैं कि पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं, पहले पानी भरा गया, क्लासेस को बंद करना पड़ा गया, कई बार ऐसा हुआ कि पानी वहां पर भर गया, छात्रों को निकलने में दिक्कत हुई, तो फिर जब कल दिल्ली में बारिश हुई जोरदार, लगा कि पानी भरेगा, तो फिर संस्थान ने कुछ क्यों नहीं किया। देखिए जिस घटना का हम जिक्र कर रहे हैं, कल जो घटना हुई वो तो बहुत दुखद है, लेकिन उससे पहले भी एक घटना हुई है, उससे पहले हुई है 10 दिन पहले, जहां पर बारिश का पानी भरने के बाद एक छात्र को करंट लग जाता है और उसकी मौत होती है। ये 10 दिन पहले की घटना है और उसके बाद फिर एक ऐसी घटना होती है जो बहुत बड़ी बन जाती है। क्यों? क्योंकि बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, तो धड़ल्ले से जो कोचिंग सेंटर्स लाइब्रेरी चला रहे हैं, तो आखिर उनको परमिशन किसने दी, कौन परमिशन उन्हें दे रहा है कि पूरे इलाके में बेसमेंट में धड़ल्ले से लाइब्रेरीज चल रही हैं, और उसके बाद उन लाइब्रेरीज में जब स्टूडेंट्स जाते हैं तो क्या वहां पर कोई केयरटेकर जो है वो वहां पर मौजूद होता है, कोई टीचर मौजूद होता है साथ में, और अगर था वहां पर तो कोचिंग सेंटर ने क्यों सामने आकर कोई जिम्मेदारी दिखाते हुए सामने आकर स्टूडेंट्स की मदद नहीं करी, ये भी सवाल होता है। और दूसरा सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि जो कोचिंग सेंटर के मालिक हैं वो कहाँ थे, जो फैकल्टी थी वो कहाँ थी, और कोचिंग सेंटर्स में क्योंकि क्लासेस देर तक चलती हैं, तो जाहिर सी बात है जब बेसमेंट में ये इंसिडेंट हुआ तो जाहिर है कि बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स या फिर जो कोचिंग से जुड़े लोग होंगे वो आसपास होंगे या कोचिंग में होंगे। बिल्कुल मदीहा, बहुत सारे सवाल और छात्र जो वहां पर गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं, जो नारेबाजी वहां पर कर रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि अनगिनत इस इलाके में ऐसे कोचिंग संस्थान हैं जहां पर बेसमेंट में लाइब्रेरी है और कोई इंतजाम वहां पर है नहीं जल निकासी के लिए, पानी निकासी के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर है, दिल्ली में कोचिंग हादसे पर राजनीति तेज है, ये मौत नहीं हत्या है, बीजेपी ने कहा है। केजरीवाल सरकार हादसे की जिम्मेदार है, बीजेपी की ओर से कहा गया, और आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि 15 साल एमसीडी में बीजेपी थी, बीजेपी ने आखिर किया क्या, ये राजनीति का वक्त नहीं है, आम आदमी पार्टी की ओर से ये कहा गया। तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर राजनीति किस तरीके से हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। देखिए 3 छात्रों की मौत, उस पर बीजेपी के अपने आरोप और आम आदमी पार्टी के अपने। पिछले 10 दिन तो यहाँ के लोग, स्थानीय लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि यहाँ नाले साफ कर दो, पिछले 1 महीने से हम लोग चिल्ला रहे हैं दिल्ली में नालों की सफाई नहीं हुई है, जल भराव हो रहा है, 5वीं 6वीं घटना है ये। इन 2 बच्चों का जो बताया जा रहा है, इनका कसूर सिर्फ इतना था कि ये वहाँ बैठ के पढ़ रहे थे, और 12 फुट का बेसमेंट अगर पानी से भर जाता है, सीवर का ओवरफ्लो होता है, सीवर साफ नहीं हुआ, नाले साफ नहीं हुए, कौन जिम्मेदार है? लेकिन ये हादसा नहीं है, ये हत्या है,
और इसकी जिम्मेदार दिल्ली की सरकार है। देखिए इस बार की जो बारिश है वो रिकॉर्ड तोड़ है, कितने 88 साल का जो रिकॉर्ड टूट रहा है। और आप देख सकते हैं जिस प्रकार से दिल्ली में इस बार भीषण गर्मी पड़ी, बारिश भी उसी प्रकार हो रही है। एमसीडी हो या दिल्ली सरकार हो, हर तरह से जो वाटर लॉगिंग की समस्या और जहां जहां जलभराव की समस्या है उस पर काम कर रही है। पर ये जो हादसा है इस पर काफी बुरा दुख हो रहा है सुन के, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जो भी अंदर हो सेफली बाहर आए। बच्चे यहाँ पर आईएएस का एग्जाम की तैयारी करने के लिए आए थे, वे अपने उज्जवल भविष्य के लिए आए थे, लेकिन केजरीवाल सरकार के निकम्मेपन के कारण इन्हें अपने प्राण से हाथ धो पड़ने पड़े हैं। इसकी मौत के जिम्मेदार आम आदमी पार्टी के विधायक माननीय दुर्गेश पाठक जी और केजरीवाल सरकार हैं पूरी तरह। ये जो एरिया है थोड़ा लो लाइन एरिया है, यहाँ से पूरा पानी पूरे एरिया का बाहर निकलता है। यहाँ पे कोई ड्रेन है और ये सीवर है, दोनों बता रहे हैं कि सडन में वो टूटा है जिसका पानी बेसमेंट में गया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और वहाँ पे एनडीआरएफ और सारी टीम लगी हुई है कि कोई और बच्चा तो नहीं उसके अंदर। निश्चित रूप से जो भी जिनकी जिम्मेदारी फिक्स करनी चाहिए, और इसके लिए मजिस्ट्रेटल इंक्वायरी के लिए भी हमारी आतिशी जी ने बोला है कि इसमें मजिस्ट्रेट जिसकी भी जिम्मेदारी बनती है उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए।